जय माता दी। दोस्तों मैं पुष्पा देवी करती हूँ आपका स्वागत आप की अपनी वीडियो में। आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। करते हैं मौसम की बात। जैसे कि देख रहे हैं आप मेरे पीछे कितना कोहरा है, ये देखिए कितना कोहरा है। आज कोहरा ज़्यादा है, कल तब भी मौसम सही था लेकिन आज कोहरा है। क्या पता जिस दिन कोहरा होता है ना कहते हैं उस दिन धूप अच्छी आती है। अब देखते हैं भगवान क्या करते हैं, धूप लाएंगे या ऐसा ही मौसम रहेगा। वैसे मौसम विभाग ने ना बुधवार तक ना बारिश भी बताई गई है हल्की फुल्की, जिसके बाद की जाए कि मौसम साफ हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। देखते हैं, मौसम विभाग से भी ऊपर तो भगवान है। तो गरिमा को छोड़ने जा रही हूँ, कल लेट हो चुका था बहुत। आज गरिमा जा रही है इधर झूठी। गरिमा जय माता दी। तो कुछ नहीं दिख रहा हमारे इधर, फार्म भी देखिए, फार्म में कुछ नहीं दिख रहा। झंडा दिखाती थी आपको ना, वो झंडा भी नहीं दिख रहा है, बिल्कुल सारा कोहरा ही कोहरा छाया हुआ है। गरिमा में नहीं दिख रही मुझे तो, दिख रही है गरिमा? सही दिख रही है मुझे तो गरिमा। देखिए बच्चे साइकिल में जा रहे हैं, रिक्शे जा रहे हैं, पेड़ भी बेचारे पत्ते झड़ गए सारे, ठंड इतनी हो रही है क्या करें। कोहरा कुछ भी नहीं दिख रहा, पेड़ भी धुंधला धुंधला दिख रहा है फार्म वाला, ठंड भी हो रही है। चलिए अब निकल चुके हैं हम स्कूल की ओर। क्यों ना आपको पीपल का पेड़ रोज अधिकतर ये हमारे इधर है, मैं ये रोज यहीं से जाती हूँ। जय विष्णु भगवान। क्या मौसम आया है, पूरब से मस्तानी पुरवाई चले, गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवाय। गरिमा आप भी बोलो, यही मंत्र बोलो, ये विष्णु भगवान का श्री कृष्ण बोलना, जोर जोर से बोल मेरे साथ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण। मुँह पे ना ओस भी गिर रही है, ऐसा लग रहा बारिश की बूंद है लेकिन वो बारिश नहीं है, ओस है, ओस गिर रही है, पानी पानी आ रहा है मुँह पे और सर पे। उनके पास हम आ गए हैं, यहाँ किसी का देखिए फंक्शन भी हो रखा है, इतनी शादी है क्या है, टेंट लगा हुआ है। थोड़ी देर बस स्कूल पहुँचने वाले हैं हम। हाँ बर्थडे मैरिज वगैरह कुछ भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, फंक्शन है किसी का। ये दुकान आ गई है जहाँ से हम फूल दिए वगैरह लेते हैं, इसी दुकान से हम लेते हैं। ये बेलपत्तर का पेड़ है, यहीं से मैं बेलपत्तर वगैरह तोड़ के ले जाती हूँ भोले बाबा के लिए। गरिमा का स्कूल आने वाला है, आ चुका है। तो गरिमा का स्कूल आ चुका है, गरिमा जा रही है, बाय बाय टाटा जाओ बाय। गरिमा जा चुकी, गरिमा को छोड़ के आ चुकी हूँ, अपनी गली के पास आ गई हूँ। ठंड बहुत है बाहर, मैं गली में आ चुकी हूँ। बस गली में भी शांति हो रखी, कोई भी नहीं है, घर के पास आ गई। बस ये रहा मेरा घर, मैं आ चुकी हूँ घर पे। मैं थोड़ा बिस्तरा बिस्तरा ठीक पहले ही करके चली गई थी, देखिए चादर वगैरह झाड़ के बिस्तरों की तय करके चली गई थी, मुझे बाकी का काम करना है। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगी कि ऐसा क्या हो गया था मेरे पापा को जब वह मैं अचानक छोड़ के चले गए। बात 2022 की है, मार्च लास्ट और अप्रैल के बीच की। मार्च ख़त्म ही हो रहा था और अप्रैल शुरू ही हो रहा था 2022 में। जैसे कि मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बताया है
मेरी एक बहन सेक्टर 16 में रोहिणी में रहती है और मेरे पापा लोग सेक्टर 17 में रहते हैं। तो अचानक पापा मतलब पापा ड्यूटी जब कोरोना टाइम हुआ था तो उस वक्त ऐसे हुआ था ना कि कोरोना टाइम में जो सीनियर सिटीज़न वगैरह थे उनको जो जिन या जिनको कोई डिजीज़ वगैरह थी उनको जॉब से कुछ टाइम के लिए निकाला जा रहा था। तो ऐसे ही मेरे पापा जॉब करते थे, जो वो जहाँ पहले प्राइवेट कंपनी में जॉब करते थे वहाँ से तो वो रिटायरमेंट हो चुके थे, तो उनका घर में दिल नहीं लगता था इसलिए उन्हें, और उनका जो था बैकग्राउंड जॉब का बहुत अच्छा था, उन्होंने एक ईमानदार एम्प्लॉय की तरह उस कंपनी में कम से कम 30-40 साल, मेरे ख्याल से 40 साल या पता नहीं 40-30 ऐसे ही कुछ वहाँ पर जॉब किया था। फिर उन्हें रिटायरमेंट हो गया था तो उसके बाद उन्हें पास में ही किसी, उनका बैकग्राउंड देख के जैसे मैंने आपको बताया, तो उनको किसी और कंपनी का ऑफ़र आया था, तो उन्होंने कहा वो ऑफ़र उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि उनका घर में दिल नहीं लगता था, उनको बैठे खाली बैठे रहने की आदत नहीं थी। तो कोरोना टाइम में भी जब जो सीनियर सिटीज़न थे उनको निकाला गया था तो मेरे पापा को भी कंपनी से निकाल दिया था क्योंकि वो सीनियर सिटीज़न थे, यही एक कारण था। तो उसके बाद सीनियर सिटीज़न को वापस तो कंपनियों में लिया नहीं गया था, तो हमने भी पापा को बोला कि अब आपने पूरी लाइफ काम किया है, तो पापा कहते थे कि मैं कहीं और देखता हूँ। तो हमने कहा, हम तीनों बहनों ने, हमारे भाई ने भी, कि अब आप बुज़ुर्ग हो चुके हो, इतनी वो नहीं है, अब आपके बैठ के खाने की उम्र है, अब आप बैठ के खाओ, आपको कोई कहीं नौकरी करने की ज़रूरत नहीं है। तो पापा घर पे ही रहते थे और टाइम पास करने के लिए पार्क वगैरह चले जाते थे, क्योंकि पार्क में मैंने आपको दिखाया था ना अपनी मम्मी के वहाँ पे कि सीनियर सिटीज़न का पार्क था, तो वहाँ पे बैठते थे टाइम पास करने के लिए, बैठ जाते थे और बुज़ुर्ग भी आते थे, सीनियर सिटीज़न वगैरह आते थे तो उनके साथ बैठते थे। तो चल रहा था ठीक, ऐसा ही चल रहा था पार्क घर, ऐसे ही टाइम पास हो रहा था घर में बैठे अपने बच्चों के साथ, अपने नाती पोतों के साथ, नातनी नाती के साथ, पोतों के साथ, बच्चों के साथ अपना टाइम पास हो रहा था, ठीक चल रही थी लाइफ, ठीक था सब कुछ। तो अचानक पापा को तबीयत ख़राब हो गई थी, पापा के जब धीरे धीरे चलते थे, थोड़ा भी चलते थे ना तो उनकी ना सांस फूल जाती थी, तो वो जब तक उनसे बर्दाश्त हो रहा था वो बर्दाश्त करते थे, बताते थे थोड़ा थोड़ा कि जैसे अब ना मैं थोड़ा चलता हूँ ना तो थोड़ी सांस से फूल जाती है, तो हम कहते थे पापा चलो डॉक्टर को दिखाते हैं, तो पापा कहते थे नहीं हाँ ठीक है बस थोड़ा सा ना कमज़ोरी होगी। हम कहते थे पापा कुछ खाते नहीं हो ना इस वजह से, खाया पिया करो, जूस वगैरह पिया करो, कुछ नहीं खाते थे, ऐसा नेचर था उनका कि अपने मुँह का निवाला तक निकाल के अपने बच्चों को दे देते थे। बस खाने पीने का उनको शौक नहीं था, बस स्मोकिंग वगैरह करते थे बहुत ज़्यादा। हम कहते भी थे पापा इतनी बीड़ी मत पिया करो, इतनी बीड़ी मत पिया करो, इतनी बीड़ी क्यों पीते हो, तो उनकी सांस फूलने लगी। तो अचानक एक दिन उनकी तबीयत ख़राब हो गई सुबह के टाइम, तो उन्होंने फ़ोन किया, मेरी बहन को बुलाया, भाई तो ड्यूटी जा रखा था, तो उसको बताया कि मेरी ना तबीयत ऐसी ख़राब है, मुझे ना वहाँ ले चल अम्बेडकर वगैरह हॉस्पिटल है हमारे घर के पास में ही सेक्टर 5 में। तो वो उनको लेके गई, तो डॉक्टर ने थोड़ी दवाई ववाई दे देते थे उनको, तो ऐसे ही घर आ जाते थे। तो अचानक जब अप्रैल या मार्च में मेरी छोटी वाली सिस्टर और मेरी मम्मी के साथ वो गई थी एज ए हेल्पर, जब ये केजरीवाल जी ले जाते थे ना यात्रा में सीनियर सिटीज़नों को, तो वो द्वारकाधीश गई हुई थी एक हफ्ते के लिए। जिस दिन वो वहाँ से आ रहे थे उसी दिन सुबह फ़ोन आ गया मेरे भाई का अचानक फ़ोन आया, मेरी भाभी ने किया मेरे भाई को फ़ोन कि पापा की तबीयत अचानक ख़राब हो गई है, आप घर आ जाओ छुट्टी लेके।
थोड़ी देर पापा की, फिर पापा ने मतलब थोड़ी तबीयत ठीक हो गई हुई, तो भाभी को बोला कि अब फ़ोन मत करो विजय को, मेरे भाई का नाम विजय है, कि मैं ठीक हूँ थोड़ा सा। तो भाई ने कहा नहीं, अब मैं आ गया हूँ छुट्टी लेकर, तो अब मैं तुम्हें डॉक्टर को दिखाई देता हूँ। तो भाई लेके गया डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर ने टेस्ट वगैरह करे, डॉक्टर ने बताया, डॉक्टर को ये लगा कि जैसे उन्हें कभी टीबी तो नहीं था। डॉक्टर ने पूछा तो पापा ने कहा हाँ, मुझे 30 साल पहले टीबी हुआ था, जब वो यंग थे तब, उस टाइम कभी हुआ होगा। तब डॉक्टर को शायद ये लगा टीवी तो नहीं है और उनको दोबारा से, क्योंकि एक बार होता है ना किसी को टीवी तो वो दोबारा होने के भी चांसेस होते हैं, तो उन्हें टीबी के हॉस्पिटल में दिखाया गया। उसी दिन मतलब मेरे मम्मी और आ रहे थे, तो उनको भी बहुत सी घबराहट हो गई कि अचानक ये क्या हो गया। उनको लगा कि बस हम जैसे तैसे घर पहुँचे। तब भाई लेके गया, तो वहाँ डॉक्टरों ने टेस्ट वगैरह करे, उनका टेस्ट हो गया, टेस्ट चल रहे थे उन दिनों भी, तो उनको बार बार वो बार बार घर से हॉस्पिटल, हॉस्पिटल से घर अप डाउन नहीं कर पा रहे थे, ज़्यादा दिक्कत हो गई थी अचानक ही। तो डॉक्टर ने कहा ठीक है, आप अप डाउन नहीं कर सकते तो हम आपके यहीं पे आपको एडमिट कर देते हैं, आपके यहीं से जब तक टेस्ट नहीं होते हैं तो आप यहीं एडमिट हो जाएंगे। तो पापा को वहीं पर एडमिट कर दिया था। तो उसके बाद टेस्ट होते रहे, पापा रिपोर्ट कोई आ ही नहीं रही थी क्लियर, पापा को बस पापा ये कह रहे थे कि बस कोई और बीमारी नहीं निकलनी चाहिए, टीवी हो जाए तो कोई बात नहीं, उसका इलाज है, कोई बात नहीं टीवी निकल जाएगा तो कोई बात नहीं, घबराने की बात नहीं है, बस कोई और बीमारी नहीं निकलनी चाहिए। पता नहीं पापा को ऐसा क्यों लग रहा था, हमें समझ नहीं आ रहा था, हम सब घबराए हुए थे कि ऐसा क्या हो गया अचानक। तो मैं भी यहाँ से जा रही थी पापा को देखने के लिए टीवी के हॉस्पिटल में, तो मेरी सिस्टर भी, बड़ी वाली भी, हम सब जाते थे पापा को देखने के लिए। अभी रिपोर्ट नहीं आई, अभी ये टेस्ट हो रहा है, अभी वो टेस्ट हो रहा है, रोज टेस्ट होते थे। तो अचानक एक दिन मैं और मेरी बहन भी गई, दूसरी वाली छोटी वाली जो वहीं पे रहती है, तो डॉक्टर ने एक दिन बताया कि इनके पानी भरा हुआ है फेफड़ों में, लंग्स वगैरह में, तो टेस्ट के लिए लेके जाएंगे। एक्सरे वगैरह हुआ तो उसमें निकला कि पानी भरा हुआ है लंग्स में, तो वो निकालना पड़ेगा, तभी एक्सरे होगा, क्योंकि उसमें क्लियर नहीं आ रहा है, पानी आ रहा है, पानी दिख रहा है जिससे लंग्स उनके क्लियर नहीं दिख रहे, कि क्या वो है, दिक्कत क्या है, जो सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो उसके लिए तो एक्सरे करना पड़ेगा फेफड़ों का। जब डॉक्टर ने फिर टेस्ट किए, रिपोर्ट उनकी आनी थी उस दिन, हम गए हुए थे, मेरी बहन, मेरी सिस्टर छोटी वाली और मैं गए हुए थे, और मेरी मम्मी थी वहाँ पर, हम तीनों थे पापा के साथ वहाँ पर उस वक्त। लेडी डॉक्टर थी, उससे पूछा हमने, डॉक्टर इतने दिन हो गए हैं अभी तक इनके टेस्ट की रिपोर्ट नहीं आ रही है, आप बता दीजिए हमें इनको क्या हुआ है, आप बता दीजिए। डॉक्टर ने बोले हाँ बता देते हैं, बता देते हैं, बता देते हैं, ऐसे मतलब कर रहे थे, नंबर वाइज बेड टू बेड डॉक्टर आ रहे थे। तो पापा का बेड का नंबर आया, तो पापा भी वहीं पर थे, हमने पूछा डॉक्टर बताइए इनको क्या दिक्कत है, जो कि यहाँ एडमिट होने के बाद भी उनको सांस में दिक्कत हो ही रही है। तो डॉक्टर ने हमें बताया, अचानक हमें नहीं बताया डॉक्टर ने, एक होता है ना कि कोई ऐसी बीमारी होती है तो पेशेंट के फैमिली को बताया जाता है, पेशेंट से छुपाया जाता है ताकि उस बीमारी का पेशेंट पे ज़्यादा असर ना हो। अगर कोई पेशेंट वीक हो, हार्ट से वीक हो, या किसी जीने की इच्छा हो, तो उसे इस बात का सुन के बहुत दुख होता है। तो डॉक्टर ने डायरेक्ट हमारे पापा को बता दिया कि आपको कैंसर है, डॉक्टर ने पाप डायरेक्ट पापा को बताया।
तो मेरी छोटी वाली सिस्टर उसी वक्त अपनी आंखों में आंसू लेकर रूम से बाहर चली गई थी। उससे खड़ा नहीं हो गया था पापा की उस बीमारी को सुनकर। तो दूसरा पेशेंट एक बैठा हुआ था अलग बेड में, उसने बोला उनसे पापा, उसने उसको भी पता चला कि पापा को ये बीमारी है। उसने पूछा हमसे तो मैंने बताया, तो मेरी सिस्टर चली गई थी रोते रोते, मतलब आंखों में आंसू लेके, पापा के सामने नहीं रोई। तो उस आदमी ने बोला कि वो रोते हुए चली गई है बाहर, उनको संभालो। वो रोते रोते बाहर क्यों चली गई, ये बोला उन्होंने। तो पापा ने ये बोला, मैं वहीं थी। पापा ने बोला कि डॉक्टर ने ना मुझे कैंसर बता दिया है, इसलिए वो रोने चली गई बाहर। डॉक्टर से पूछा तो डॉक्टर ने बोला इनको टीबी तो नहीं है, शायद इनको, हम शायद कह रहे हैं श्योर नहीं है, शायद जहाँ तक हमने इतने टेस्ट कराए हैं शायद इन्हें थोड़ी कैंसर की शिकायत दिख रही है हमें। डॉक्टर ने हमें ये बताया, हमें नहीं, डायरेक्ट हमारे पापा को। डॉक्टर ने इतनी बड़ी बीमारी का नाम डायरेक्ट उस पेशेंट को बता दिया। जो जिंदगी से बहुत प्यार करते थे उनको डायरेक्ट बता दिया कि आपको कैंसर की शिकायत है। मैं वही थी। तब वो आदमी कह रहा था जाओ उनको चुप कराओ। मैंने मन मन में सोच रही थी कि नहीं, बहने दो इन आंसू को, इन आंसुओं को ना जितना बहने देंगे ना उतना दर्द बाहर निकलेगा। लेकिन मैं नहीं रोई पापा के सामने। मैंने देखा पापा का चेहरा, उनकी आंखों में आंसू भरे हुए थे, जैसे वो कह रहे हो कि मैं जीना चाहता हूँ, मैं अभी और जीना चाहता हूँ। वो पापा की आंखों में आंसू ना हमने देखे थे, अरे देखे नहीं, वो पापा की आंखों में आंसू जो इन जीने की चाह लेके बैठे हुए थे। क्योंकि मेरे पापा को ना मरने से बहुत डर लगता था, लेकिन मैंने रोई सामने। फिर पापा के टेस्ट होते रहे तो डॉक्टर ने बोला अभी यहाँ पे क्लियर नहीं है, आप ना को ना हम ना दूसरी जगह हॉस्पिटल में रेफर कर देते हैं, आप यहाँ से इन्हें ले जाइए। तो हम दूसरी जगह कैंसर हॉस्पिटल है नारायणा में, पता नहीं कहाँ पर, शायद नारायणा में ही है, विश्वविद्यालय के उधर पता नहीं कहाँ है। मैं आप तो वहाँ पापा को लेके गए, तो वहाँ कुछ अप्रोच वगैरह लगाई कुछ, वहाँ पे जल्दी से नंबर आता नहीं है, बहुत महीने लग जाते हैं। तो पापा को वहाँ ले गए और इसके बाद क्या हुआ ये मैं आपको अपनी अगली वीडियो में बताऊंगी। जब तक के लिए मैं पुष्पा देवी आप सबसे अनुमति लेती हूँ, फिर मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय माता दी।